नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में आज हम हिमाचल जीके के वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी पी एस सी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं और बहुत ही टॉप लेवल के मैं क्वेश्चन आपके साथ लेके आ रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन शायद बुक में भी आपको देखने को ना मिले जो एचपीएसएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं तो वो सारे क्वेश्चन मैंने इस पी डी एफ में डाल दिए आप सभी को पता है जो एच पी एस एस सी है उसे भंग कर दिया तो अब जो भी आपके थर्ड और फोर्थ क्लास के एग्जाम होंगे लाइक सब इंस्पेक्टर एचआर टी सी कंडक्टर जेबीटी कमीशन वो कौन लेगा वो एच पी पी एस सी लेगा तो एच पी पी एस सी लेवल की हमें तैयारी करना भी बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कहता कि हाई लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे मगर हम अपनी तैयारी पूरी हाई लेवल की रखेंगे चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ लो हम तो तैयार हैं तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन को हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी टू वेर द गद्दी ट्राइबल विजिट ऑन जन्माष्टमी टू ऑफर प्रेयर्स तो इसमें कहना चाहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील तीन हजार नौ सौ बासठ के ऑन एल्टीट्यूड पर स्थित है जहां गद्दी आदिवासी जन्माष्टमी पर प्रार्थना करने आते हैं तो बताइए कौन सी लेक है वो मछि लेक लामाडल लेक गढ़ाशरू लेक या कुमारवा लेक तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होगा कि तीन हजार नौ सौ बासठ की जो हाइट है इसमें कौन सी लेक होगी यानी इतनी हाइट किस लेक की है तो आप आंसर बता सकते हो फर्स्ट का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी लामा डल लेक तो जो लामा डल लेक है ये कहाँ है ये चंबा में है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है वो है तीन हज़ार नौ सौ बासठ यहाँ पर जो गद्दी ट्राइब के पीपल होते हैं वो जन्माष्टमी में आते हैं क्या करें प्रार्थना करने, करने तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी लामा डल लेक जो कि चंबा में है चलिए सेकंड देखते हैं क्वेश्चन शायद थोड़े लेंथी होंगे मगर अगर आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से यानी अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ा है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली कभी हमें आंसर नहीं पता होता मगर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी होती हाँ ये तो हो नहीं सकता ये ऑप्शन किसी और चीज़ से तो हम तब भी आंसर फाइंड कर सकते हैं तो ऐसे सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता और कहीं कहीं थोड़ी आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी आंसर फाइंड करने के लिए सेकेंड देखते हैं विच ऑफ़ द फॉल्विंग टेंपल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन रेटेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय एंड अ यूनिक एक्जाम्पल ऑफ द लेटर गुप्ता ट्रेडिशन तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं बहुत लेंदी देखा है हिंदी में क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के निम्नलित्व से किस मंदिर को पश्चिमी हिमालय के बेहतरीन पालों में से एक और अक्षरगुप्त परंपरा के अनोखा उदाहरण माना जाता है तो बताइए कौन सा मंदिर है जिसे फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स माना जाता है वेस्टर्न हिमालय का और एक यूनिक एग्जाम्पल माना जाता है गुप्ता जो आपका गुप्ता आर्किटेक्चर है उसका तो कौन सा है मसरूर टेम्पल हडिम्बा टेम्पल बैजनाथ टेम्पल या बजौरा टेम्पल तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है बजौरा टेम्पल अब अगर आपको पूछूं मैं बजौरा टेम्पल कहाँ पड़ता है तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है तो कुल्लू में जो बजौरा टेम्पल है ये फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट है किसका वेस्टर्न हिमालय का और यूनिक एग्जाम्पल है गुप्ता ट्रेडिशन का तो सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट वॉज टर्म्ड एज द शिमला टेरर एंड शिमला जिनोसाइड बाय द इंग्लिश न्यूज पेपर इन इंग्लैंड तो कहना चाहता है निवृत्त में से किस घटना को इंग्लैंड में अंग्रेजी समाचार पत्रों द्वारा शिमला आतंक और शिमला नरसिंगार कहा गया है तो बताइए किस इंसिडेंट को कहा है जो शिमला टेरर और शिमला जिनोसाइड तो रिवॉल्ड ऑफ एटीन एंग्लो गोरखा वार धामी फायरिंग इंसिडेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट तो थर्ड का राइट आंसर क्या है थर्ड का जो राइट right आंसर है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो 1857 की क्रांति भी थी उसे इंग्लैंड के न्यूजपेपर ने क्या कहा था शिमला टेरर एंड शिमला जिनोसाइड यानी शिमला आतंक और शिमला नर्सिंग तो ये किस इंसिडेंट को कहा गया रिवॉल्ट ऑफ एटीन को थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको बुकों में भी मिल जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन रखने की कोशिश की है कि क्वालिटी आपको चीज़ देखूँ क्योंकि बुकों में तो जो चीज़ होगी वो तो आप वैसे भी पढ़ ही लोगे तो ऐसा है कि वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने कौशन की कोशिश की कि अगर एग्ज़ाम में कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर लो तो अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में, में मेरा नंबर दिया होगा वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका नाम लिख के भेज देना तो जे कमीशन पुलिस सब इंस्पेक्टर पटवारी हर एक एग्जाम एक की हम तैयारी कराते हैं पाँच से दस आपकी इवनिंग में डेली लाइव क्लासेस होती है रिकॉर्डेड लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रीपेसर पेपर टेस्ट वेस्ट सब कुछ हम देते हैं आपकी तैयारी को और स्टूडेंट से बेहतर करते हैं तो ऐसा है अब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है आपको बताया नई सरकार बनी है तो कह रही है बहुत सारी वैकेंसीज लाएगी तो इस बार जो हमने है एग्ज़ाम निकालना है निकालना है और इस बार हमें पूरी उम्मीद है जो एग्ज़ाम है वो ले होंगे क्योंकि पिछले दो तीन साल से तो बहुत धांधली हो ही रही थी मगर इस बार उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम है वो फेयरली होंगे और इस पर हमने अपनी सिलेक्शन लेनी है बाकी अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते होगी तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी होगी उसे चेकआउट कर लेना बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फोर्थ है द पर्सन हु सेटअप एन एप्पल और कार्ड बंडरोल और कार्ड इन एटीन सेवनटी आफ्टर ओपटेनिंग प्लांट्स फ्रॉम द यू के वॉस तो सिंपल सिंपल इसमें कहना क्या चाहता है अगर आपको ये चीज़ भी पता होगी कि 1870 में जो यूके से प्लांट लाके हिमाचल में किसने लगाए थे तो आप उसका नाम बता दोगे कैप्टन आरसी ली थे कैप्टन ए टी बेनॉन थे कैप्टन हरकोट थे या कैप्टन मंडे थे तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है कैप्टन आर सी ली तो ये हमने हिमाचल दर्पण में भी पढ़ा हुआ है कई बार जो कैप्टन आर सी ली थे ये 1870 में कौन से ब्रिटिश किस्म के सेब लाए थे इन्होंने कुल्लू में लगाए थे तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हाँ कुछ और कार्ड लग दिया बंडोल और कार्ड लगाया था इन्होंने यहाँ पर आपने कन्फ्यूजना अट्ठारह सौ सत्तर में कौन लाया था ब्रिटिश किस्म के सेब तो वो लाया था कैप्टन आर सी ली तो आपका फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट तो वर्षा छाया प्रभाव के कारण हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है तो बताइए कौन सा है कल्पा केलोंग स्पीति या किलर तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है वो है स्पीति तो स्पीति वैसे भी हिमाचल प्रदेश का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है मगर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है और किसके कारण रेन शेडो इफेक्ट के कारण तो चाहे रेन शेडो इफेक्ट बोले या ड्राएस्ट प्लेस बोलते हिमाचल प्रदेश का वो कौन स्पीति ही रहेगा स्पीति सबसे ड्राएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का या रेन शेडो इफेक्ट लिखा था थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है सिक्स देखते हैं हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉटन कासल एट शिमला तो शिमला में जो गॉर्टन कैसल है उसका जो वास्तुकार है वो कौन है आपको बताना है हेनरी इरविन है एस जेकॉब है एस हेरिंगटन है एच विल्सन है तो बताइए जो शिमला में गॉर्टन कैसल है उसका आर्किटेक्ट कौन है सिक्स का जो राइट आंसर है वो है एस चेकॉब तो ये नाम याद रखना एस जेकॉब इन्होंने जो शिमला का गॉटन कैसल है उसे बनाया था तो उसके जो आर्किटेक्ट थे वो एस चेकॉब थे सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रहा

तो अगर आपने मेरी माउंटेन पासिस वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया भी जो है, है जो किन्नौर की बसपा वैली है वहाँ पर आपकी लामखागा कामिलागा चरांग ऐसे पासीज़ हैं जो किन्नौर को किससे जोड़ते हैं उत्तराखंड से जोड़ते हैं तो वो कहाँ पड़ते हैं बसपा वैली में तो बसपा वैली में ही बहुत सारे पासीज़ हैं जो किन्नौर को उत्तराखंड से जोड़ते हैं सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी बसपा वैली है चलिए एट देखते हैं बिटास आर द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल डांसर्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट तो जो ये बेटा है ये किस जिले के पिशावर नृत्य हैं तो बताइए कहाँ के हैं ऊना के हैं बिलासपुर के सोलन के या लाहौल स्पीति के तो बताइए जो बेटास है ये कहाँ के प्रोफेशनल डांसर्स है एटथ का जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति तो लाहौल एंड स्पीति के जो बेटा है ये प्रोफेशनल डांसर्स डांसर है एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ इन विच ऑफ द पुराना द किना किन्नर आर सेट टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ मोहम्डन माउंटेन तो किस पुराणों में किन्नरों को मोहम्मदन पर्वत के निवासी माना गया है तो बताइए कौन से पुराण में ऐसा बोला गया जो किन्नर से कहाँ के वासी है जो मोहनंदा माउंटेन से वहां के ठीक है तो महानंदा पर्वत का जो वासी है वो किन्नर है ये किस पुराण में बोला गया है तो वायु पुराण में अग्नि पुराण में भगवदा पुराण में या शिवा पुराण में? में तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है वायु पुराण तो जो वायु पुराण है इसमें बोला गया है जो किन्नर से वो कहाँ के जो है निवासी है वो कहाँ के हैं जो महानंद पर्वत है वहां के निवासी हैं तो नाइन्थ का राइट आंसर वायु पुराण है उसमें ये बोला गया है चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेंथ टेंथ है ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड द शिमला एडवर्टाइजर्स इन शिमला वेयर द लोकल तो कह रहा है ब्रिटिश राज में दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स स्थानीय थे तो क्या थे आपको ये बताना सिंपली इसमें पूछना चाहता है कि हिमालयन एडवर्टाइजर्स और शिमला एडवर्टाइजर्स क्या थे तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थे न्यूज़पेपर थे टूरिस्ट लॉजिस्ट थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस थे तो बताइए टेंथ का राइट आंसर क्या होगा टेंथ का राइट आंसर क्या है न्यूज़ पेपर है देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजर्स लिखा तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर दो तो ये चाहते हैं कि हाँ गलत करो मगर इसका जो आंसर है वो न्यूज़पेपर जो हिमालयन एडवर्टाइजर्स और शिमला एडवर्टाइजर्स है ये क्या है ये न्यूज़ पेपर थे तो टेंथ का राइट आंसर क्या है टेंथ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन भी न्यूज़ थे चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेवंथ हु अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोलॉजिस्ट गैरिसन वेर द अर्लियर लोन इंडो आर्यन ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट तो कहना चाहता है प्रसिद्ध भाषाविद गिरसन के अनुसार हिमालय क्षेत्र के पहले जाने जाने वाले इंडो आर्यन कौन थे तो बताइए जो ये गैरिसन है इनके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले इंडो आर्यन थे यानी हिमालय के वो हिमालय क्षेत्र के वो कौन थे तो किन्नर से खस्ते किरत से या दास थे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इलेवंथ का जो राइट आंसर है वो है खस जो एक खस थे ये क्या थे ये पहले एक तरह से आप निवासी बोल सकते हो यानी इंडो आर्यन जो निवासी थे हिमालय के वो थे किसके अकॉर्डिंग जो ये आपका गैरिसन दिया है इसके अकॉर्डिंग खस थे तो इलेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है तो क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट टाइप के पूछने की भी कोशिश इसने की है बुकों में आमतौर पर देखने को नहीं मिलते तो बाकी इजी इजी चीज़ें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगी हम मुश्किल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे बाकी अगर आपको नहीं भी पता तो हमने हिमाचल जीके की एक एम सीरीज़ और डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ दोनों चला रखी है चैनल में प्ले मिल जाएगी वहाँ पर आपकी जो कंप्लीट हिमाचल जी वो कवर हो जाएगी बाकी आप बुक से पढ़ो वो भी अच्छा है बुक में भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी बाकी वीडियो में ऐसा रहता है कि मैं थोड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहे तो प्ले चैनल में बनी हुई उन्हें देख लेना हिमाचल जी की आपकी कंप्लीट हो जाएगी ट्वेल्थ है हु मंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द एवरेस्टर तो निर्मृत में से कौन सा एवरेस्टर नहीं है तो इसमें कहना क्या चाहते है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा तो तीन तो चढ़े होंगे तो जो प्रेम सिंह है भी चढ़े हैं राधा देवी ये भी चढ़े सुनील शर्मा मंडी के भी चढ़े तो अजय वर्मा है जो है ये नहीं चढ़े तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से एवरेस्टर कौन नहीं है वो अजय वर्मा नहीं है बाकी तीनों एवरेस्ट में चढ़े हुए तो ये एवरेस्टर है ट्वेल्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्टीन विच पास लाइज एट द हेड ऑफ बसपा वैली तो जो बसपा घाटी है कहाँ पर है बसपा घाटी अभी थोड़े दो तीन क्वेश्चन पहले आया था कहाँ पर किन्नौर में तो इसमें से कौन सा जो दर्रा है वो बसपा में है बसपा घाटी में है तो बताइए कौन सा है जलोरी पास चुंग शिकागो पास द्राटी पास या बुर्रा पास तो थर्टीन का राइट आंसर क्या है थर्टीन का जो राइट आंसर है वो है चुंग शकागो पास तो ये चुंग शकागो पास क्या है ये बसपा वैली में यानी किन्नौर में है तो थर्टीथ का राइट आंसर ऑप्शन बी चुंग शकागो पास हो गया अगर आपको नहीं पता आप ऐसे भी आइडिया लगाते कि जलोरी पास क्या है ये आपको इनर सराज और आउटर सराज को मिलाता है कुल्लू में तो ये वहां पर है द्राटी पास चंबा में है ऐसे ऐसे आपने जो ऑप्शन है उन्हें भी कट करना है फिर आपके पास जो रह जाएंगे कि हाँ शुंग शिकागो पास या बुरा पास इनमें से होगा तो आप थोड़ा तुक्का लगाने में भी ईजी रहेगा आपको कि हाँ फिफ्टी फिफ्टी चांस रहेंगे मगर ऐसे नहीं कि हाँ बस आँख बंद करके ए बी सी डी करके तुक्का लगाना है तो कहीं कहीं तुक्का भी लगाना पड़ता है मगर जो ऑप्शन है उन्हें कट करना पड़ता है तो एलिमिनेटिंग मेथड बोलते हैं इसको बाकी ये चीज़ें जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता लग जाएगी कि हाँ क्योंकि सब कुछ ऐसा है सौ क्वेश्चन आ रहे हैं तो सौ के सौ किसी को नहीं आते साठ आ जाएंगे सत्तर आ जाएंगे बाकी कुछ क्वेश्चन में यही आपका मेथड लगाना पड़ता है फोर्टीनथ है

तो चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तो इसका जो राइट आंसर है फोर्टीन का वो है ऑप्शन सी तो जो ये आपका जॉइंट स्टॉक बैंक है यानी बैंक ऑफ सिरमौर है इसे किसके साथ मर्ज किया गया था एच पी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ 1955 में तो फोर्टीन का राइट आंसर क्या ऑप्शन सी जॉइंट स्टॉक बैंक इसे मर्ज किया गया था यानी बैंक ऑफ सिरमौर को मर्ज किया गया था एच पी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ नाइनटीन फिफ्टी फाइव में फिफ्टीथ द बुटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी बुटिको वॉज फॉर्मड एट शमसी इन विच ईयर तो जो है आपकी बुटिको यानी बुटी को, वीवर कॉपरेटिव सोसाइटी जो कि शमशी में शमशी कहाँ पड़ता है कुल्लू में तो ये कब बनाई गई थी सिंपली आपको ईयर पूछ रहा है 1950, 1947, 1948 फोर्टी नाइनटीन फोर्टी तो फिफ्टी का जो राइट आंसर है वो है नाइनटीन फिफ्टी तो 1944 में जो बुटी वीवर्स कऑपरेटिव सोसाइटी यानी बुटी को जो कि शमशी में कुल्लू के उसे फॉर्म किया गया था तो नाइनटीन में चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्सटीनथ है द बचित्रा ना नाटक इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ नदॉन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑटोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ऑफ तो ऑटोबायोग्राफी कि खुद के बारे में लिखा होता है क्योंकि बायोग्राफी हाँ दूसरे व्यक्ति के बारे में आप कुछ लिख रहे हो ऑटोबयोग्राफी खुद के बारे में लिखना तो ये जो बचित्रा नाटक है किसने लिखा था यानी कौन व्यक्ति थे जिनने अपनी जो आत्मकथा इसमें लिखी थी तो इसमें किसके बारे में बताया था उसने आपको हिंदी में क्या पढ़ना है ऐसे ही बताता हूँ जो बैटल ऑफ नदॉन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है अब आपको नहीं पता तो मैं बता दूं तो बैटल ऑफ नदौर में क्या होता है भीमचंद होते हैं बिलासपुर के राजा वो किससे मुगलों से लड़ते हैं तो उसमें जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने उस जो भीमचंद थे बिलासपुर के राजा उनकी हेल्प की थी तो आंसर कहीं ना कहीं क्या होगा इसका गुरु गोविंद सिंह ही आंसर है यानी गुरु गोविंद सिंह ने लिखी थी क्या लिखी थी जो ये आपको बचित्र नाटक है तो बचित्र नाटक इन गुरु गोविंद सिंह ने लिखी थी और इन्होंने हेल्प की थी बैटल ऑफ नदौन में किस में राजा ऑफ बिलासपुर भीमचंद की जिन्होंने जो मुगल है उनके साथ फाइट की थी तो ऑप्शन क्या कह दिए थे एक बार वो भी देख लेते हैं राजा भीमचंद ऑफ देखिए उनका नाम भी देखा है राजा दयाल ऑफ बिजरावाल गुरु तेज बहादुर या गुरु गोविंद सिंह तो गुरु गोविंद सिंह है इन्होंने लिखा था ये विचित्रा नाटक जिसमें बैटल ऑफ नंदौन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है सिक्सटीन का राइट आंसर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह है चलिए सेवनटीन देखते हैं इन विच वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सेफ्रोन एंड कमिन आर प्रोड्यूस तो कहना चाहता है किन्नौर जिले की किस घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन होता है तो बताइए जो किन्नौर है उसकी कौन सी घाटी में जो केसर और जीरे का उत्पादन होता है बाबा वैली में हंगरंग वैली में लिप्पा वैली में या सांगला वैली में तो सेवनटीन का राइट आंसर क्या है सेवनटीन का जो राइट आंसर है वो है सांगला वैली तो जो केसर और जीरे का उत्पादन होता है किन्नौर में कहाँ होता है सांगला वैली में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एटींथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तो कहना चाहता है निम्न में से कौन सी कुकुट की नसल नहीं है जिसे कांगड़ा जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शुरू किया गया था तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सी जो है वो ब्रीड ऑफ पोल्ट्री नहीं है यानी एक तरह से मुर्गों की जो मुर्गे होते हैं उनकी ब्रीड नहीं है तो जो रैमबोल्ट है बुलेट है लेग हॉन्स है रोड आइसलैंड रेड है या प्लाई माउथ रॉक है तो बताइए कौन सी नहीं है एटीन का राइट आंसर क्या है एटीन का जो राइट आंसर है वो है रोमबोलिट तो ये रोमबुलट है क्या? ये क्या है शीप की जो है नस्ल है तो पोल्ट्री की नहीं है तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि हाँ जब पोल्ट्री की ब्रीड ही नहीं है तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे जो कांगड़ा की इकोनॉमी है उसे इंप्रूव करने के लिए तो ये शीप की जो नस्ल है उसे ब्रीड है उसे बोलते हैं रोमबुलट तो ये पोल्ट्री की नहीं है तो ऐसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो यानी एटीन का राइट आंसर ऑप्शन है रोमबुलेट ये इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी क्योंकि ये तो ब्रीड ही नहीं है पोल्ट्री की नेक्स्ट देखते हैं नाइनटीन अकॉर्डिंग टू देंग सेंग पिच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग सेवन सेंचुरी एडी वेर अबाउट ट्वेंटी बुद्धिस्ट संगमास विधली स्टडीड द महायाना तो अगर हिंदी में देख लेते हैं बहुत लंबा लिखा है इंग्लिश में तो हैं संघ के अनुसार सातवीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्न में से कौन सी विशिष्ट राज्य था जहाँ एक हजार पुजारियों के साथ लगभग बीस बौद्ध संगमा ज्यादातर महायान का अध्ययन करने आए थे तो बताइए कौन से राज्य में आए थे एक हजार पुजारी आए थे उसके साथ बीस बौद्ध जो जो थे थे वो आए किसका महायान जो होती है उसका अध्ययन करने तो बताइए कौन थे त्रिगर्ता कुलुता जलंद्रा या मगधा तो बताइए कहां पर आए थे त्रिगर्ता में आए थे कुलुता में आए थे जलंद्रा में या मगधा में तो का राइट आंसर क्या है का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुलुता तो जो कुल्लू था उसका जो प्राचीन नाम था वो कुलूता था तो यहाँ पर क्या है जो हैुद्धिस्ट संगमा थे वो आए थे और एक हजार पुजारियों के साथ और उन्होंने क्या किया था जो महाजाना था उसको यहाँ स्टडी किया था सेवन सेंचुरी के अराउंड तो नाइनटीन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कुलूता चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी के एज पर द स्टडी मेड बाय जियोलॉजिस्ट द प्रेजेंट एरिया ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट सम 1200-1500 मिलियन ईयर्स एगो वाज पार्ट ऑफ द सी कॉल्ड तिथिस तो बताइए जो भूवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लगभग 1200 या 1500 मिलियन वर्ष पूर्व किस जिले का वर्तमान क्षेत्र टिथिस नामक समुद्र का भाग था तो बताइए कौन सा जिला है जो टिथिस था यानी उसका पार्ट पार था ठीक है समुद्र था टिथिस उसका पार्ट था किन्नौर ऊना बिलासपुर या शिमला तो बारह मिलियन ईयर्स एगो कौन सी जगह थी जो टिथिस समुद्र था उसका पार्ट था तो बताइए कौन सी जगह थी ट्वेंटी का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी शिमला तो शिमला क्या था जो शिमला डिस्ट्रिक्ट पंद्रह सौ मिलियन था, था, था ट्वेंटी तो का right तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि हर कोई इनको कर पाएगा ट्वेंटी वन है द टैक्स फ्री ट्रेड बिटवीन किन्नौर एंड ईयर तो किन्नौर और तिब्बतियों के बीच जो कर मुक्त व्यापार किस वर्ष तक जारी रहा था इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं भी पता तब भी आप हाँ कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ कैसे तो बताइए कब तक चला था जो टैक्स फ्री व्यापार था तिब्बती और किन्नौर के बीच में 1971, 1948, 1962 या 1959 तो बताइए क्वेश्चन नंबर क्या दिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1962 अब 1962 सिक्सटी क्यों क्योंकि जो आपका इंडो चाइना वॉर हुआ था कब हुआ था 1962 में हुआ था तो उससे पहले किन्नौर के जो राजा थे यानी पुराने इंशिया टाइम में देखिए उनके जो संबंध थे वो अच्छे थे तिब्बतियों के साथ तो जो व्यापार था वो कर मुक्त होता था यानी कोई टैक्स नहीं लगता था तो ये चला आ रहा था मगर नाइनटीन तक जब इंडिया आज़ाद भी हो गया था उसके बाद भी चला आ रहा था मगर नाइनटीन में क्या होता है इंडो चाइना जो वॉर होता है उसके कारण जो ये व्यापार हो रहा है इसे रोक दिया जाता है यानी टैक्स फ्री जो व्यापार होता है इसे रोक दिया जाता है तो अगर आपको इतना भी पता होता कि हाँ इंडिया और चाइना का जो युद्ध है वो कब हुआ तो 1962 में होता है तो आप ऐसी भी आइडिया लगा सकते थे और तिब्बत किसके कंट्रोल में ये चाइना के कंट्रोल में कि नौ तो इंडिया में आता है तो इसका राइट आंसर नाइनटीन है चलिए ये ट्वेंटी टू देखते हैं अ मेजर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैज बीन फाउंड सुटेबल फॉर द रियरिंग ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ वॉम रेसिस तो आपको बताना है निम्नलिखित रेशम कीट प्रजातियों के पालन के लिए कांगड़ा जिले का एक बड़ा हिस्सा उपयुक्त पाया गया है तो बताइए कौन से जो वो सिल्क वम रेसी है वो कांगड़ा में जो है उन्हें पाला जा सकता है तो बताइए कौन सी है यूनिवोल्टाइन बायोवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन मल्टी वोल्टाइन या सेमी वोल्टाइन तो 22 का आपको डायरेक्टली राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट right आंसर है वो है यूनिवोल्टाइन तो यूनिवोल्टाइन क्या होते हैं? ये एक तरह से साल में एक ही बार एक्स देते हैं तो इनकी जो स्पीसीज है वो साल बार साल में एक ही बार एक्स देती है यानी एक ही बार इनकी जो है

उन्हें जहाँ भाषा मिली वह पूरी तरह से तिबती थी तो बताइए जो ये एज फ्रैंक है ये कब आए थे 1910 में आए थे हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में तो उन्हें उस गांव में देखने को क्या मिला कि जो वहाँ की लैंग्वेज थी वो इंटायरली तिब्बतिया नहीं थी तो बताइए कौन से थे उदयपुर केलोंग पू या कल्पा तो बताइए ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर क्या होगा जो आपका किन्नौर है वो तिब्बत के साथ लगता है तो वहीं के एरिया होना चाहिए तो केलोंग का है लाहौल स्पीति का है, तो कट्टी कर दो तो उदयपुर भी लाहौल स्पीति में तो पू और या कल्पा तो बताइए ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर क्या ट्वेंटी थ्री का जो राइट आंसर है वो है पू तो पू में जो उन्हें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला जो वहां की एंटायर लैंग्वेज थी वो तिब्बतन थी ज्यादा हम देखें तो किन्नौर और तिब्बत के जो रिलेशन थे वो अच्छे थे तो वहीं पर आपका कोई आंसर होना चाहिए तब आपको उदयपुर और किलोंग काटना है ठीक है तो पू या कल्पा में से एक चीज हो सकती है क्योंकि किन्नौर के अच्छे रिलेशन थे तिब्बत वालों के साथ तो जो पू जगह है यहाँ पर जो लैंग्वेज उन्हें देखने को मिली वो एंटायरली तिब्बतन थी तो इस तरह से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो ट्वेंटी का राइट आंसर ऑप्शन सी है ट्वेंटी है तिचिंग मिचिंग छेदपा एंड ती दरांग शीशे आर वेरियस काइंड ऑफ द फॉल्विंग इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट तो किन्नौर जिले में टिचिंग मिचिंग छेदपा और ती दरांग शीशे निम्नलिखित में से कितने प्रकार है किसके प्रकार है कितने नहीं किसके प्रकार है तो बताइए किसके हैं अप्रिसिएशन पनिशमेंट फेस्टिवल या अटायर ड्रेस तो 24 का राइट आंसर क्या है ट्वेंटी का जो राइट आंसर है वो है पनिशमेंट तो यहाँ पर ये जो देखा तिचिंग मिचिंग चेतपा तीरंग शीशे ये क्या है ये पनिशमेंट के प्रकार है किनॉ स्ट्रिक्ट में तो ऐसे आपको मैरिज के प्रकार जो आपके डिवोर्स हो गए ऐसे सारी अलग अलग चीज़ें दे रखी किनौर के बारे में तो वो पता होनी चाहिए तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि हाँ टीचिंग मिसिंग क्या ये पनिशमेंट का प्रकार है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते थे तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन भी पनिशमेंट है नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी फाइव हु वॉज हु हैज़ रिटन द बुक कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयस तो कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयस जो पुस्तक है वो किसने लिखी है एच के मिट्टों वी सी ओहरी जी डी खोसला या के एल वैद्य तो बताइए जो कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयास है ये बुक किसने लिखी है तो इसका जो राइट आंसर है वो है के एल वैद्य तो जो के एल वैद्य है इन्होंने ये बुक लिखी है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालय ट्वेंटी फाइव का राइट आंसर ऑप्शन डी है ट्वेंटी सिक्स है इन विच डिस्ट्रिक्ट मरचवन कुंड इज लोकेटेड विच वॉज री ओपन आफ्टर नाइन हंड्रेड ईयर्स इन टू थाउजेंड फाइव तो कहना चाहते हैं मरिच हवन कुंड किस जिले में स्थित है जिसे नौ सौ वर्षों के बाद दो हजार पाँच में फिर से खोला गया था तो जो आपका ये मेरिच हवन कुंड है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको ये बताना है और इसे 900 साल बाद खोला गया कब 2005 में तो सिरमौर में है कांगड़ा में शिमला में है, और डी ऑप्शन क्या दिया है बिलासपुर तो बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जो आपका मिच हवन कुंड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला तो शिमला में क्या है जो ये आपका मिच हवन कुंडे नौ सौ साल बाद दो में खोला गया था ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है क्वेश्चन कुछ लग रहे हैं लेवल अच्छा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर टेलीग्राम में जाके एच एग्जाम फिर लिख देना वहाँ पर भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट आती है हिमाचल प्रदेश में उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा कुछ भी हिमाचल में चल रहा है स्टडी से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड तो उसके बारे में आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी बाकी पंद्रह हज़ार से ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो देरी मत करना बस जुड़ जाना ट्वेंटी सेवन है Who amongst the following donated the Hall Estate to the International Rorick Memorial Trust, which is now known as Rorick Art Gallery? तो कहना चाहते हैं, निम्न में से किसने Hall Estate को जो International Rorick Memorial Trust को दान दिया था, जिसे अब Rorick Art Gallery के रूप में जाना जाता है? तो बताइए, जो Hall Estate है, इसे donate किया था? इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट को जिसे अब जो अब क्या बोला जाता है रोरिक आर्ट गैलरी बोला जाता है यानी हॉल स्टेट को अब बोलते हैं रोरिक आर्ट गैलरी तो ये हॉल स्टेट किसने डोनेट किया था सिंपली ये पूछ रहा है इंदिरा गांधी अमृता कौर देविका रानी या सरोजनी नायडू तो ट्वेंटी सेवन का राइट आंसर क्या है ट्वेंटी सेवन का जो राइट आंसर है वो है देविका रानी तो जो रोरिक थी उनकी वाइफ थी तो रोरिक की वाइफ कौन थी देविका रानी और उन्होंने ही ये हॉल एस्टेट यानी यहीं पर रहते थे जो रोरिक तो और देविका रानी थी यहीं रहते थे इन्होंने बाद में उनकी मृत्यु के बाद इसे डोनेट कर दिया था हॉल एस्टेट को और इसे बाद में जो गवर्नमेंट थी उसने क्या बना दिया रोरिक आर्ट गैलरी जो इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट था इसने रोरिक आर्ट गैलरी बना दी तो आज कुल्लू में जो आप रोरिक आर्ट गैलरी देखते हो वो पहले हॉल एस्टेट थी तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ है तो कुल्लू में तो ये सिंपल क्वेश्चन तो सबको आते हैं बाकी इस टाइप के क्वेश्चन करें तब हम माने कि हाँ तैयारी बहुत सुपर की चली है ट्वेंटी एट है द मोस्ट एंशियंट इंस्क्रिप्शन ऑफ चंबा एनग्रेवड ऑन द ऑफ द ब्रास इमेज ऑफ देवी नंदी फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो कहना चाहता है लक्षणा देवी गणेश और नंदी की पीतल की छवियों के आधार पर उत्कीर्ण चंबा का सबसे प्राचीन शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है तो बताइए कहाँ पर पाया गया द मोस्ट एंशियंट इंस्क्रिप्शन ऑफ चंबा ठीक है सबसे एंशियंट इंस्क्रिप्शन है चंबा का तो ये कहाँ पर पाया गया चंबा में भरमौर में तीसा में या बनी खेत में तो क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है इसका जो राइट right आंसर है वो है भरमौर तो भरमौर में पाया गया सबसे एंशियट इंस्क्रिप्शन ऑफ चंबा जिसमें क्या में देखने को मिला है ब्रास इमेज थी किसकी लक्ष्मणा देवी की गणेशा की और नंदी की तो ट्वेंटी का राइट आंसर ऑप्शन भी भरमौर में ये पाया गया है ट्वेंटी है शाथा एंड पाशा आर टू सब ग्रुप्स ऑफ खून दैट वॉज वॉरियर ग्रुप ऑफ विच एंशियंट ट्राइब तो जो आपके ये शाठ और पाशा है खूंद के दो उप समूह हैं जो किस प्राचीन जनजाति के योद्धा समूह थे तो बताइए किसके थे दस के थे खसास के थे किन्नर्स के थे या नागास के थे ट्वेंटी ट्रे, ट्रे, नाइन का राइट आंसर क्या ट्वेंटी नाइन का जो राइट आंसर है वो है खस तो खस के ये

तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल की पूछ रखे हु कम्पेयर किनौरी वुमेन टू स्कॉटिश एंड एल्जीरियन वंस ऑन अकाउंट ऑफ देर वुलन रेमेंट्स रेमेंट तो किन्नौर महिलाओं की तुलना उनके ऊनी वस्त्रों के कारण स्कॉटिश और अल्जीरियन महिलाओं के से किसने की थी तो बताइए किसने की थी जो किनौरी वुमेन है वो क्या पहनती थी वुलन के कपड़े पहनती थी तो उसके आधार पर जो किसने जो स्कॉटिश और एल्जीरियन वुमेन थे उनसे उनका कंपैरिजन किया था तो विलियम सिमसन ने डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने जेम्स फ्रेजर ने या कमिंग्स ने तो थर्टी का राइट आंसर क्या है थर्टी का जो राइट आंसर है वो है कमिंग्स तो जो कमिंग्स थी इन्होंने क्या किया था जो किनौरी वुमेन थी उनका कंपैरिजन किससे किया था स्कॉटिश और एल्जीरियन वुमेन से क्यों क्योंकि जो ऊनी वस्त्र वो पहनते थे वो वैसे वहाँ पर स्कॉटिश और एल्जीरियन वुमेन वो भी इसी टाइप के कुछ पहनते थे तो कंपेरिजन किया था तो थर्टी का राइट आंसर ऑप्शन डी कमिंग्स है चलिए थर्टी वन देखते हैं वट इज़ द लैंग्वेज ऑफ सिक्स हंड्रेड ईयर्स ओल्ड मेनुस्क्रिप्ट फाउंड इन स्पीति बाय द हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी तो कहना क्या चाहते है छः सौ साल पुरानी ओल्ड मेनुस्क्रिप्ट मिली थी कहाँ पर स्पीति में किसको मिली थी हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी को तो उसकी लैंग्वेज क्या थी सिंपली ये पूछ रहा है कौन सी भाषा में वो मिली थी जो मैनुस्क्रिप्ट थी तो बताइए संस्कृत में पाली में भोटी में या उर्दू में तो थर्टी वन का राइट आंसर क्या है थर्टी वन का जो राइट आंसर है वो है भोटी ठीक है हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई गई 600 साल पुरानी जो पांडुलिपि उसकी भाषा क्या थी भोटी थी तो 31 का ऑप्शन सी भोटी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच फॉलोइंग लीनिंग टेम्पल लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्टिस्टोर्ड बाई द इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज तो आपको बताना है सिंपली कि कांगड़ा में एक टेंपल था लीनिंग टेंपल लीनिंग टेंपल क्या हो गया जैसे एक टेंपल सीधा होता है ना तो ऐसे टेढ़ा टाइप में था वो टेंपल तो वो कांगड़ा में था जिसे रिस्टोर किया था किसने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ने तो आपको बताना है उस टेम्पल का नाम क्या था ब्रजेश्वरी टेम्पल भद्रा काला टेम्पल बैजनाथ टेम्पल मसरूर टेम्पल तो ये सारे नाम हमने सुने मसरूर टेम्पल ये भी लीनिंग नहीं है तो सीधा खड़ा है ब्रज्रेश्वरी ये भी सीधा खड़ा है बैजनाथ भी जो भद्रा काला है ये थोड़ा यूनिक सा है लग रहा है तो यही इसका राइट आंसर है तो भद्रा काला क्या ये जो भद्रा काला टेम्पल है कांगड़ा में ये कैसे लीनिंग टेम्पल है यानी थोड़ा टेरा टाइप का है जिससे रिस्टोर किसने कहते हैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज तो ऐसे करके भी तुक्का लगा सकते हो बाकी अपनी अपनी टेक्निक है कैसे तुक्का आप लगाओगे तो ऐसा है सब कुछ तो नहीं आता कि हाँ सब कुछ ही हमें आ जाए तो कभी कभार चांसेस होते हैं कि तुक्का भी आपको अच्छा वाला लगाना होता है तो कुछ इस टाइप से आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी है ऐसा है 200 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं अगर जो एच पी वाला पैटर्न है ये एच पी वाले फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि 100 क्वेश्चन तो हर कोई ठीक कर देता है जो 120, 130 इसके ऊपर जाता है वही सिलेक्शन लेता है अब तो बुरे हाल हो गए थे कि हाँ 160, सौ भी आ रहे तब जाके सिलेक्शन हो रही है क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं मगर अब जो आपके एग्जाम है वो फेरले होंगे उम्मीद तो ऐसी है तो इस बार जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो अच्छी इतनी अच्छी भी नहीं रहेगी नॉर्मल रहेगी क्योंकि 2019 में हम देखते थे कि हाँ सेक्रेटेट का एग्जाम आया था डेढ़ सौ पोस्ट आई थी तो पचपन छप्पन नंबर में ही सौ में से बंदे लग गए फाइनल जो सिलेक्शन उनकी हो गई थी तो ऐसी कट ऑफ जाती थी मगर अब तो भाई सत्तर अस्सी तो ऐसा हो गया था कि कॉमन ही हो गया था सभी ला रहे थे तो हम तो परेशान ही हो गए थे इतने नंबर कहाँ से ला रहे तो अब आप उम्मीद करना कि पेपर आपका जो होगा चाहे टफ हो चाहे ईजी हो जैसा मर्जी हो मगर जो कट ऑफ रहेगी वो इतनी हाई नहीं रहेगी तो ऐसा सिलेक्शन सारे ले सकते और भर्तियाँ बहुत सारी आने वाली तैयारी पूरी फुल जोश में रखना अपनी इस साल तो आपको कुछ करना ही करना है थर्टी थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हर्बल रिसोर्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश तो निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में हर्बल संदर्भ में केंद्र नहीं है तो बताइए अब हर्बल गार्डन होते हैं हमने सुना है कि हाँ जोगिंदर नगर में हर्बल गार्डन है तो इसको तो एलिमिनेट कर दो फिर बताइए धमरेडा में है जंगल थेरा में है नागनी में है तो बताइए कौन सा कहाँ पर हर्बल रिसोर्स सेंटर नहीं है तो थर्टी थ्री का राइट आंसर क्या है वो है नागनी तो नागनी इसका राइट आंसर यहाँ पर हर्बल जो आपका हर्बल सेंटर है वो नहीं है ठीक तो है तो क्वेश्चन नंबर क्या है कौन पर हर्बल रिसोर्स सेंटर नहीं है कहा नागनी में थर्टी थ्री का थर्टी फोर है द ब्यूटीफुल नगरा आर्ट टेम्पल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तो बताइए जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले सुंदर नगर कला मंदिर हैं वो किसके प्रतिनिधि हैं तो एक नगरा आर्ट में बना है वो कौन सा मसरूर रॉक का टेम्पल आपने सुना होगा जो कि कांगड़ा में है तो किसमें नगरा आर्ट में बना है तो बताइए जो नगरा आर्ट टेंपल फाउंड हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है चोला आर्ट के गुप्ता आर्ट के आर्यन आर्ट के या बुद्धिस्ट आर्ट के तो 34 का राइट right आंसर क्या है 34 का जो राइट right आंसर है वो है गुप्ता आर्ट तो नगरा आर्ट जो है ये एक तरह से गुप्ता आर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है और जो आपका मशहूर टेंपल है कांगड़ा में वो किस में बना है नगरा आर्ट में ही बना है तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट अ मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश तो निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है तो बताइए कौन सी नहीं है शाह प्रोजेक्ट चांगर प्रोजेक्ट सिद्धार्था प्रोजेक्ट बल वैली प्रोजेक्ट तो बताइए कौन सा मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट नहीं है थर्टी फाइव का एड आंसर क्या है इसका एड आंसर है शहनहर प्रोजेक्ट तो जो आपका कांगड़ा में शाह प्रोजेक्ट है ये क्या है ये मीडियम नहीं है बल्कि लार्ज है ठीक है लार्ज जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें आता है तो सिंपली ये कट जाएगा आपका बाकी तीनों जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें आते हैं तो शाह नहर प्रोजेक्ट नहीं आता ये लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट में आता है 35 का आंसर ऑप्शन ए है 36 है द वर्ड बिगार इज अ तो बेगार कौन सा शब्द है तो बताइए कौन सा शब्द है बिगार आपने सुना होगा जो काम कराना अपना मगर जो व्यक्ति जिससे आप काम करा रहे हो पैसे भी नहीं देना तो फ्री में ही काम कराना एक तरह से तो जो बिगार है ये हिंदी वर्ड है संस्कृत वर्ड है पर्शियन वर्ड है या अरेबिक वर्ड है

आपका पूछ रहा है कि भौगोलिक रूप में हिमाचल प्रदेश में जो पालमपुर है धर्मशाला है जोगिंद्र नगर है वो किस क्षेत्र में स्थित है तो किसमें है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सब टेम्परेट सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेट सब टेम्परेट तो इसके लिए आपने अगर हिमाचल प्रदेश का मैप होगा उसको अगर आप देखोगे उसमें आपको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सब टेम्परेट ऐसे अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखें तो जो पालमपुर धर्मशाला और जोगिंदर नगर है ये किस में आते हैं ये आपके वेट सब टेम्परेट में आते हैं जो वेट सब टेम्परेट जोन है उसमें आते हैं जोगिंदर नगर धर्मशाला और पालमपुर तो ऐसे पूरा हिमाचल प्रदेश है उसे ऐसे जोन्स में डिवाइड कर रखा है तो थर्टी सेवन का राइट आंसर ऑप्शन डी है थर्टी एट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और थकुराई विच वॉज क्लब्ड टू फॉर्म द महासूर डिस्ट्रिक्ट इन नाइनटीन फोर्टी एट तो आपको पता है पंद्रह अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट को जो हिमाचल प्रदेश है वो अस्तित्व में आया तो तब आपका सुकेत भी था सुकेत और जो मंडी था उसे मिला के एक मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाई वैसे माहूर डिस्ट्रिक्ट थी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट थी चंबा डिस्ट्रिक्ट थी तो जो मासूर डिस्ट्रिक्ट थी उसमें कौन सी जो प्रिंसिल स्टेट है वो नहीं मिलाई गई थी उसे फॉर्म करने के लिए तो आपको ये बताना है तो जो कोटी है उसे नहीं मिला दर कोटी है उसे नहीं मिला या घूंढ को नहीं मिला मिलाया आनी नहीं को मिलाया तो 38 का राइट आंसर क्या है थर्टी का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आनी तो जो आनी था इसे नहीं मिलाया गया था यानी ऐसा था जो छोटी छोटी रियासत थे उन्हें मिला के मासूर डिस्ट्रिक्ट बनाई थी मगर उसमें आनी जो थी उसे नहीं मिलाया गया था तो थर्टी का राइट आंसर ऑप्शन डी आनी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्टी नाइन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग वैली हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी फाउंडेड सिक्स हंड्रेड ईयर ओल्ड मैनुस्क्रिप्ट दैट डील्स विद द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन पहले किया यहाँ थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कह रहे कैरल में से किस घाटी में हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी ने छः सौ साल पुरानी पांडुलिपि की स्थापना की जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित है तो बताइए कहाँ पर मिली थी जो 600 साल पुरानी जो मेन्यूस्क्रिप्ट थी वो हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट कल्चर एकेडमी वो कहाँ मिली सांगला वैली में कुल्लू वैली में बल वैली में स्पीति वैली में तो 39 का राइट आंसर क्या है स्पीति वैली तो पहले अगर आपने उस क्वेश्चन को ढंग से सुना होगा तो उसमें मैंने बताया था स्पीति वैली में मिली थी छः साल पुरानी जो आपकी मेनुस्क्रिप्ट थी कौन सी भाषा में थी भोटी में तो वहाँ पूछा था कौन सी भाषा में थी भोटी में थी यहाँ पूछा कहाँ मिली थी तो स्पीति वैली में मिली थी थर्टी का राइट आंसर ऑप्शन डी है फोर्टी है द ओनली क्वेंस स्पेशल टू चंबा फाइव ऑफ विच मेक्स एन आना इज तो चंबा के लिए विशेष एकमात्र एक एकमात्र सिक्का जिससे जिसमें से पाँच से एक आना बनता है वह है तो अगर आपको इतना भी पता होता कि चंबा से कौन सा सिक्का रिलेटेड है आप इसका आंसर कर देते बाकी आना उना तो छोड़ो ये तो थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने बोला है तो धेला पी चकली रत्ती तो अगर हिमाचल दर्पण में पड़ी होगी आपको पता है चंबा में कौन सा सिक्के मिलते थे चकली तो चकली जो सिक्के थे किससे चंबा से रिलेटेड थे यही इसका राइट आंसर है बाकी इन्होंने लिखा है ऑफ में आना आना यानी पांच ऐसे सिक्के आना बनाते थे। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बाकी क्या है इनहेबिटेंट्स ऑफ महंत माउंटेन तो अभी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी हमने किया था तो उसमें अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा फिर आप इसका आंसर बता देते वायु पुराणों में निम्नलिखित जनजाति को महंत पर्वत का निवासी बताया तो बताइए किसे बताया गया था तो ऑप्शन देख लेते हैं पंगवाल लोहलास गद्दी किन्नौरास तो बताइए किसको बताया गया था मैंने आपको उसी टाइम बताया था जो किन्नर्स ठीक है जो किन्नौरास थे इन्हें क्या बोला गया था ये कहाँ के वासी हैं जो महान माउंटेन है तो वायु पुराना में ऐसा बोला गया था तो उसमें तो आपसे पूछा था किस में बोला था तो वायु पुराना में यहाँ पूछ लिया कि किसको बोला था तो किन्नर्स को तो सब चीज़ें कनेक्टेड है बस क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है उसे तो डिफ़िकल्ट चीजें बनानी अगर बनाना होगा तो बाकी इजी पूछ लेगा तो इजी तो सब ठीक कर ले ते हैं मगर मुश्किल में ही हम फंसते हैं फोर्टी टू है हु वॉज द सिग्नेटरी ऑफ फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ संगोली तो संगोली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे तो बताइए कौन थे जिन्होंने साइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फोर्टी टू में हमें ऑप्शन क्या क्या देख रहे हैं मेजर कॉल कोलोनल थॉमसन कॉलोनल पेरिस ब्रेडशो मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी तो फोर्टी टू का राइट आंसर क्या है फोर्टी टू का जो राइट आंसर है वो है कॉलोनल पेरिस तो इन्होंने साइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और अगर हम बोले जो गोरखास थे उनकी तरफ से किसने किया था गुरु गजराज मिश्रा ने तो जो आपकी ट्रीटी ऑफ संगोली हुई थी किस लिए हुई थी जो एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था यानी जो गोरखा थे और ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में वॉर हुआ वा था उसको समाप्त करने के लिए जो ट्रीटी ऑफ संगोली इसे साइन किया गया था तो ईस्ट इंडिया की तरफ से जो कलोनी पेरिस बैट्स इन्होंने किया था और जो गोरखास थे उनकी तरफ से गुरु गजराज मिश्रा ने इसे साइन किया था तो फोर्टी का एट आंसर ऑप्शन सी है फोर्टी थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर एचपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 अब क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा कि हाँ, हाँ एच पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कब हुआ था कब लागू हुआ था तो 2011 में तो ऐसे कैसे भी घुमा के कुछ भी पूछ सकता है मगर यहाँ पूछा है कि कौन सी है जो सर्विस वो पब्लिक सर्विस के अंडर आती है ठीक है पब्लिक सर्विस के अंडर आती है किसके उसमें एच पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंडर आती है तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर एचपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट दो हज़ार ग्यारह यानी से किस से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में घोषित किया गया है एचपी लोक सेवा गारंटी अधिनियम दो हजार ग्यारह के तो बताइए किसे किया है तो किसान क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉयल टेस्टिंग सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तो 43 का राइट आंसर क्या है जो 43 का राइट आंसर है वो है सोयल टेस्टिंग तो सोयल टेस्टिंग को क्या बोला है जो स्टेट गवर्नमेंट ने कि पब्लिक सर्विस है यानी कि एच पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आएगी इसके अंदर कुछ शायद 187 वन एटी जो है वो आती है चीज़ें ठीक है सर्विसेज आती है वन तो उसमें से एक है सॉयल टेस्टिंग होगी तो फोर्टी का राइट आंसर ऑप्शन सी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन ऑक्युपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश तो आपको बताना है निम्नलिखित हिमालय क्षेत्रों में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत है तो बताइए कौन सा है सब हिमालयन जोन मिड हिमालयन जोन हाई हिल जोन या ट्रांस हिमालयन जोन तो 44 का राइट राइट आंसर आंसर क्या है 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 44 का जो आंसर है, वो है सब हिमालयन जोन तो जो सब हिमालयन जोन है इसमें जो मैक्सिमम एरिया आता है हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो सब हिमालयन जोन में ही आता है फोर्टी का राइट आंसर ऑप्शन ए है फोर्टी फाइव ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वॉज बिल्ड बाई अ वेस्टर्न तिब्बत रूलर ये शशोद अराउंड दर नाइन हंड्रेड नाइनटी सिक्स एडी तो निम्न में से किस मठ का निर्माण एक पश्चिमी तिब्बत शासक ये सशोध ने लगभग 996 ईस्वी में करवाया था तो अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए हाँ नाम नोम दे दिया कि ये रूलर थे ये शशोद इन्होंने कौन सी मोनेस्ट्री बनाई थी मगर आपको इतना ही पता कि 996 एडी यानी इस समय जो मोनेस्ट्री है वो बनी थी वो कौन सी थी तो आप इसका आंसर बता दोगे गेमूर कारदांग ताबू या तायुल तो फोर्टी का राइट आंसर क्या फोर्टी फाइव का राइट आंसर वो है ताबो अगर आपने हिमाचल दर्पण पढ़ी होगी उसमें लिखा है कि ताबो मोनेस्ट्री कब बनी थी 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 नाइन हंड्रेड के अराउंड बनी थी तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं कि हाँ नाइन नाइन 1096 में कौन सी मोनेस्ट्री बनी तो ताबो बनी बाकी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है कि हाँ वेस्टर्न तिब्बत रूलर था ये शोशादे इसने कौन सी मोनेस्ट्री बनाई तो 45 का राइट आंसर ताबो है चलिए नेक्स्ट करते हैं 46. The Mushroom Development Project in Palampur was launched in 1985 with the introduction of technology of which country? तो पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना 1985 में किस देश की तकनीकी की शुरुआत की गई थी तो बताइए किस जो कंट्री है उससे हेल्प ली गई थी जो तो मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पालमपुर में स्टार्ट किया था नाइनटीन में तो ब्रिटिश डच अमेरिकन या ब्राज़ील तो बताइए फोर्टी सिक्स का राइट आंसर क्या है फोर्टी सिक्स का राइट आंसर है वो है डच तो डच जो टेक्नोलॉजी थी डच देश की उसका यूज किया गया था जो मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पालमपुर में लगाया था 1985 में तो फोर्टी सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है फोर्टी सेवन है वट इज़ आर्कोलॉजिकल स्टाइल ऑफ अधि ब्रह्मा टेम्पल खोखन तो जो ब्रह्मा मंदिर है जो कि गाय खोखन में है उसका जो आर्कोलॉजिकल स्टाइल है वो कैसा है तो पगोड़ा शैली में बना है पेंट रूफ में पिरामिड रूफ में या पिरामिड में तो 47 का राइट आंसर क्या है 47 का जो राइट आंसर है वो है पगोड़ा तो जो ये अधी ब्रह्मा टेम्पल है ये किस में पगोड़ा स्टाइल में बना है। जो हिंडा देवी का टेम्पल है वो भी पगोड़ा में प्राशर देवी का टेम्पल है प्रा... प्राशर का टेम्पल है वो गाय है वो भी प... पगोड़ों में बना हुआ है तो यहाँ पर आपको स्टाइल पूछा तो पगोड़ा शैली में बना हुआ है फोर्टी का राइट आंसर ऑप्शन ए है फोर्टी एट हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोड धर्मचंद नाटक इन अराउंडीन सिक्सटी टू ए डी तो लगभग फिफ्टीन सिक्सटी टू ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखने वाले कांगड़ा के राजा धर्मचंद के दरबारी कवि कौन थे तो so, बताइए कौन थे जो जिन्होंने धर्मचंद नाटक लिखा है उनके धर्मचंद नाटक लिखा था जिन्होंने राजा धर्मचंद उनके कोर्ट पोएट कौन थे सिंपली ये पूछ रहा है तो so, गणेश सिंह थे कन्हैया लाल थे मानिक चंद थे या पदम चंद गुलेरी थे तो फोर्टी एट का राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है मानिक चंद तो जो ये राजा धर्मचंद थे कांगड़ा के उनके कोर्ट पॉइंट कौन थे मानिक चंद थे फोर्टी एट का राइट आंसर ऑप्शन सी मानिक चंद है चलिए नाइन फोर्टी नाइन देखते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ स्टेट फ्रॉम राजवन टू कलसी इन द बिगनिंग ऑफ द थर्टीन सेंचुरी तो कहना चाहता है सिरमौर रियासत के किस राजा ने तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने राज्य की राजधानी राजवन से कालसी में बदली थी तो बताइए किसने बदली थी राजवन से कालसी में जो राजधानी थी उससे बदला था तो किसने बदला था उदित प्रकाश ने कौल प्रकाश ने महाप्रकाश ने सुमर प्रकाश ने तो फोर्टी नाइन का राइट आंसर क्या है वो है उदित प्रकाश तो सिरमौर के राजा जो उदित प्रकाश थे इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो राजवन से कहाँ पर शिफ्ट की थी सी में की थी तो फोर्टी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन ए है फिफ्टी है अराउंड ईयर डिड रशियन पेंटर निकोलस रोरिक विजिट नगर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको मैंने अभी एक बताया था कि निकोलस रोरिक थे जिनकी जो आर्ट गैलरी है वो कहाँ कुल्लू में है तो वहाँ पर हॉल स्टेट था पहले उसे डोनेट किया गया था फिर रोरिक आर्ट गैलरी उसे बनाया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अब इसमें पूछा कि जो रोरिक है वो कुल्लू पहली बार कब आए थे कुल्लू का जो नगर है वहाँ पर पहली बार कब आए थे आपको वो ईयर बताना है 1915, 1923, 1926 या 1930. तो 50 का राइट आंसर क्या है 50 का जो राइट आंसर है वो है 1923. तो जो रोरिक थे निकोलस रोरिक ये कुल्लू के जो नगर है वहाँ पहले पहली बार कब आए थे 1923 में आए थे इन्होंने लगभग बीस साल कुल्लू में बिताए थे जो हिमालय था उससे बहुत पसंद आया था उन्हें तो उन्होंने कुछ सात हज़ार चित्र भी बनाए थे हिमालय पे तो ये सब आप जब पढ़ोगे इनके बारे में तो आपको चीज़ें पता लगेगी तो फिफ्टी का राइट आंसर क्या है नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में पहली बार नगर आए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्टी वन विद स्कूल डिड अमृता शेरगिल ज्वाइन इन शिमला अराउंड नाइनटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो नाइनटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के आसपास अमृता शेरगिल ने शिमला के किस स्कूल में दाखिला लिया था तो so, बताइए कौन से स्कूल में दाखिला लिया था तरल हॉल एल्फ्रेड कॉर्पेट सेंटा एनसीएट या जीजस एंड मैरी तो फिफ्टी वन का एट आ सके फिफ्टी वन का जो राइट right आंसर है वो है जीजस एंड मैरी शिमला का जो जीजस एंड मैरी स्कूल था वहां पर अमृता शेरगिल ने कब एडमिशन लिया था नाइनटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में तो फिफ्टी वन का राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया था कहाँ पर जीजस एंड मैरी में तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के वैसे तो पीडीएफ में शायद 600 700 या हज़ार के पता नहीं कुछ अराउंड क्वेश्चन होंगे तो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाल दी बाकी अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल भी लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएगी वहाँ पर लिंक होगा वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो हिमाचल के सभी एग्जाम का स्टडी मटेरियल देते हैं हम चाहे सब इंस्पेक्टर हो जेबीटी कमिशन हो पटवारी हो हर एक एग्जाम एक का आपको उसमें जो नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे हिमाचल जी इंडिया जी हिंदी इंग्लिश रीजनिंग प्रीवियस पेपर टेस्ट सीरीज एक कंप्लीट सोर्स रहेगा उसके अलावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो सारी पी डी हैं जो मेरी टीम बनाती है वो एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कवर करती है आपको कुछ भी उसके बाहर देखने की जरूरत नहीं है तो अगर आपको स्टडी मटेरियल लेना होगा ऐसी पी आपको सब मिल जाएगी साइंस की इंडियन जी की सब कुछ मिलेगा तो नीचे लिंक दिया होगा वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर देना बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी मेरी टीम का कोई ना कोई, कोई मेम्बर आपको वहाँ रिप्लाई कर देगा 52 है वेन वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन्स क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में जो जनसंपर्क विभाग है वो कब बनाया गया था तो बताइए कब बनाया गया था जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन है 1951, 52, 54 या 56 में. तो फिफ्टी टू का इसका जो राइट आंसर है वो है 1954 में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 52 का राइट आंसर है 1954 में जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन था उसे हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था फिफ्टी टू का राइट आंसर नाइनटीन फिफ्टी फोर है 53 है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज सरियांज शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट तो जो सरय शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट है परियोजना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपको ये बताना है ऊना सिरमौर बिलासपुर सोलन तो बताइए कहाँ पर है फिफ्टी थ्री का जो राइट आंसर है वो है सोलन तो सोलन में क्या है जो सरय शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट है ये सोलन में है तो एग्जाम को अगर एग्जामिनर टफ बनाना चाहे तो वो जरूर बनाने की कोशिश करेगा बाकी इजी क्वेश्चन तो आप कर लोगे बट टफ़ में आपने फसना है तो वही चीज़ें मैं करा रहा हूँ तो सारे टफ क्वेश्चन डालें यहाँ पर जो पी है सारे टफ ही क्वेश्चन मिलेंगे कोई भी ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ हर कोई इनको कर सकता है तो ऐसा है, हर कोई नहीं कर सकता जिसने बारीकी में चीज़ें पढ़ी होगी हिमाचल दर्पण को कम से कम छः सात पार पढ़ा होगा वो सब इन चीज़ों को जो है रिकॉल कर सकता है बाकी ऐसा है चीज़ें टफ है मगर थोड़ा लॉजिक लगाओगे तब भी आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे जैसे अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या बोला है डिड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एच पी विधानसभा इंक्रीजेज फ्रॉम थर्टी सिक्स टू फोर्टी वन तो क्या रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो छत्तीस से बढ़ाकर फोर्टी वन कब हुई तो बताइए कब हुई नाइनटीन सेवन वन नाइनटीन सिक्सटी वन नाइनटीन सिक्सटी थ्री या नाइनटीन फिफ्टी फोर अब फिफ्टी फोर का देखते हैं कितने स्टूडेंट्स राइट आंसर बताते हैं तो बताइए जो विधानसभा की सीटें थी वो छत्तीस से इकतालीस कब की गई थी तो 54 का जो राइट आंसर है वो है 1954। अब बताइए ऐसा क्यों जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था पंद्रह बजेटीन फोर्टी को फिर इलेक्शन हुए तो तब यहां पर टोटल कितनी 36 सिक्स सीटें थी मगर 1954 में क्या होता है जो 1954 है उसमें बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश में जब बिलासपुर मिलता है तो पांच सीटें और बढ़ जाती है प्लस पांच कर दो कितने फोर्टी तो 41 कब हुई 1954 में क्योंकि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिल गया उसकी वजह से सीटें बढ़ गई तो आपने अगर डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा होता तो आप इजीली बोलते 1954 में 36 से 41 सीटें हो गई तो ऐसा तुक्का तो हर जगह नहीं लगता अगर थोड़ी कॉमन सेंस थोड़ी चीजें अच्छे से पड़ी होगी तो आप उन्हें कर लोगे फिफ्टी है पॉलवर्थ सीरियोडोल ब्लैक पेस एंड बिंगी आर वराइटीज तो जो आपकी पॉलवर्थ सीरोडोल ब्लैक पेस एंड बिंगी आर वैरायटी किसकी वैरायटी है सिंपली पूछ रहा है वेजिटेबल्स की स्पाइसेस की शेप की है बफेलोज की है. तो फिफ्टी फाइव का एड आंसर क्या है इसका एड आंसर है शीप तो शीप की जो है ये वेराइटीज़ है पॉलीवर्थ सेरडोल ब्लैक पेस और बिंगी तो फिफ्टी फाइव का एड आंसर ऑप्शन सी शीप है एक बार इसको चेक कर लेना क्वेश्चन को वराइटीज़ लिखा है स्पीशीज कुछ ऐसे लिखा होता है तो, तो शीप की मैं मानता ब्रीड मानता वेराइटीज़ क्या होता है ये तो कुछ अजीब सी चीज़ लिखी है बिंगी किस में है तो देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना इसमें मैं श्योर नहीं हूँ तो ऐसा हंड्रेड परसेंट तो मैं भी हर जगह सही नहीं हूँ तो यहाँ मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार चेक कर लेना नेक्स्ट देखते हैं फिफ्टी सिक्स आइडेंटीफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवल इन पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट तो आपको बताना है जो ये यूरोपियन ट्रैवल है ये पंजाब और शिमला हिल स्टेट में आए थे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है यानी किस ऑर्डर में आए थे सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया फिर कौन आया आपको ऐसे बताना है यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखे तो विघ्न है मूरक्राफ्ट है फ्रॉस्टर है थॉमस कुरयाट है तो बताइए ये जो है पंजाब और शिमला हिल स्टेट कब आए थे तो आपको ऑर्डर बताना है सिंपली तो फिफ्टी सिक्स का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट तो फर्स्ट क्यों है सबसे पहले कौन आएंगे सबसे पहले आएंगे थॉमस कुर्याट फिर आएंगे फ्रॉस्टर फिर मुरक्राफ्ट फिर विग्ने अब अगर आपको नहीं पता मैं ईयर भी बताता हूँ विग्ने कब आए थे एटीन में तो अगर आपको ईयर भी बताओ थे मुरक्राफ्ट आए थे एटीन में तो देखिए दो ही आपको पता होते तो लास्ट में टू और वन आना था टू और वन इसी ऑप्शन में आएगा और किसी में भी नहीं आएगा बाकी आपको अगर नहीं भी पता होते तब भी आप इजीली कर लेते तो विग्नेस सबसे लास्ट में 1835 में आए उससे पहले मूरक्राफ्ट आए थे फ्रॉस्टर कब आए थे ये 1783 में आए थे तो जो फ्रॉस्टर थे ये सेवनटीन में आए थे थॉमस कुरियार्ड कब आए थे सिक्सटीन

तो बताइए हु नेगोशिएटेड द आर्गूमेंट बिटवीन द स्टेट ऑफ कश्मीर चंबा बाई विच द लेटर बिकम द इंड फ्रॉम द फॉर्मर तो ऐसा है जो चंबा था वो कुछ समय के लिए कश्मीर के अंडर आ गया था यानी कश्मीर ने चंबा पे एक तरह से कब्जा कर लिया था तो किसने जो है बातचीत करी कश्मीर के राजा के साथ ताकि जो चंबा है वो बाद में वापस फ्री हो जाए तो किसने की थी कलोनल लॉरेंस थे जॉर्ज रसल थे डेविड ऑक्टरलोनी थे कैप्टन जे ब्रिज थे तो फिफ्टी सेवन का एड आंसर क्या है इसका एड आंसर है लॉरेंस तो जो लॉरेंस थे क्लोनल लॉरेंस इन्होंने क्या किया था इन्होंने कश्मीर के राजा से बात की थी जिसकी वजह से बाद में चंबा फ्री हो जाता है कश्मीर के अंडर से ठीक है कश्मीर के जो कश्मीर था वो एक तरह से चंबा पे कब्जा करके बैठा था तो चंबा को फ्री कर दिया कश्मीर ने तो ये बातचीत किसने की थी जो कुल लॉरेंस थे इन्होंने फिफ्टी का आइटेंसर ऑप्शन ए है चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेन वॉज द सनद ग्रांटेड टू द राजा ऑफ बिलासपुर बायटिश गुज तो कहना चाहता है बिलासपुर के राजा को ब्रिटिश सरकार द्वारा सतलुज के दाहिने किनारे पर उनके अधिकार की पुष्टि करते हुए सनत कब प्रदान की तो बताइए जो राजा ऑफ बिलासपुर था उसका जो पोजेशन था राइट बैंक ऑफ सतलुज पे वो हासिल हो गया तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो ग्रांट कब किया था उन्होंने यानी सनत कब दी थी कि राइट बैंक का जो सतलुज का एरिया वो राजा ऑफ बिलासपुर का है तो फेबररी एटीन फोर्टी मार्च 1846, अक्टूबर 1847 या अप्रैल 1848 तो 58 का राइट आंसर क्या है 58 का जो है राइट आंसर है वो है अक्टूबर 1847 तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अक्टूबर 1847 को जो राजा ऑफ बिलासपुर थे उन्हें सनद दी थी क्या कि जो राइट बैंक ऑफ सतलुज है वो सारा इराका उनका है ठीक है पोजिशन उनको मिल गया था फिफ्टी का राइट आंसर ऑप्शन थ्री है चलिए फिफ्टी नाइन देखते हैं इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली दिव्य हिमाचल बिगिन तो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो दिव्य हिमाचल पूछ रहा है जो उसका पब्लिकेशन यानी उसका स्टार्टिंग ईयर था वो शुरू कब हुआ था ठीक है तो सिंपली कब शुरू हुआ था दिव्य हिमाचल 1997 में 2001 में 2003 में या 2007 में तो फिफ्टीन नाइन का जो राइट आंसर है वो है 1997 में तो हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था तो 1997 से शुरू हुआ था फिफ्टी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन ए है चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच यूरोपियन ट्रेवलर ट्रेवल फ्रॉम नाहन टू जम्मू वे नूरपुर अराउंड सेवनटीन एटी थ्री तो बताइए किस यूरोपीय यात्री ने 1783 एटी थ्री ईस्वी के आसपास नूरपुर होते हुए नाहन से जम्मू की यात्रा की थी तो बताइए कौन है वो हरकोट फ्रॉस्टर विग्ने या बर्नियर अब मैंने आपको डेटे बोला था डेटे बताए थे कि आप मूरक्राफ्ट कब आए विग्ने कब आए जो फ्रॉस्टर था वो कब आया था तो आपने अगर डेटे भी याद रखी होगी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं यहाँ पर क्या दिया सेवनटीन तो 1783 में कौन आया था अगर आपने वो डेट याद रखी होती है, तो 60 का जो राइट आंसर है वो है फॉस्टर तो जो फॉस्टर है ये कब आया था 1783 में बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं तो बाकी इसमें इतना कुछ बोल रखे हाँ कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर आया जिसने नाहन से, से जम्मू गया किस रास्ते से नूरपुर से होते हुए तो सेवनटीन एटी अगर डेट भी याद होती कि हाँ सेवनटीन में कौन आया तो फॉस्टर आया था यही इसका राइट आंसर है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती सिक्सटी है वन वॉज द कस्टम ऑफ रीथ मैरिज अबोलिश्ड इन द प्रिंसली स्टेट तो जो बुशैर रियासत है रीत विवाह की प्रथा को कब समाप्त किया गया था आपको ये बताना है तो ऐसे बिगाड़ प्रथा होगी रीत प्रथा होगी इनके बारे में पढ़ना कि क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको कुछ नया जानने को मिलेगा तो जो रीत प्रथा है कब खत्म हुई थी बुशैर में नाइनटीन में नाइनटीन में नाइनटीन या नाइनटीन में तो सिक्सटी का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है नाइनटीन तो जो बुशैर रियासत थी उसमें जो रीत प्रथा थी उसे कब खत्म किया गया 1925 में खत्म कर दिया गया था तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी है 62 है बिसाइड चीनी तहसील ऑफ मासूर डिस्ट्रिक्ट हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर ट्रांसफर्ड टू कंस्टिट्यूट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन 1960 AD. तो 1960 ईस्वी में मासूर जिले की चीनी तहसील के अतिरिक्त रामपुर तहसील के कितने गांवों को जो है किन्नौर में मिलाया गया था किन्नौर को दिया गया था ताकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा सके तो बताइए कितनी जो है गांव दिए गए थे रामपुर से जो ताकि किन्नौर में मिलाया जाए और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाए तो जो तो 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 मासू की चीनी तहसील थी उसे थी दिया गया था और रामपुर के कितने गाँव दिए थे चौदह अठारह बाईस या छब्बीस तो सिक्सटी तो तो तो, तो 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 का राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है वो है चौदह तो मासू डिस्ट्रिक्ट से जो चीनी तहसील थी ठीक है चीनी तहसील प्लस जो रामपुर था वहाँ से चौदह गांव इनको मिला के क्या बनाया था इनको मिला के ना उन्नीस में क्या बनाया था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था तो ये छठी डिस्ट्रिक्ट बनी थी हिमाचल प्रदेश की तो कितने गांव मिले थे रामपुर से चौदह गांव मिलाकर जो है ये डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी कौन सी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सिक्सटी का राइट आंसर ऑप्शन ए है चलिए सिक्सटी देखते अकॉर्डिंग टू दो हजार एग्रीकल्चर सेंसिस वट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग इन एच तो 2010 हजार की कृषि जो गणना हुई थी उसके आधार पर आपको बताना है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कितनी परसेंटेज स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग है जो लोग हैं सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन एट सेवेंटी पॉइंट थ्री फोर एटी पॉइंट सिक्स वन या एटी सेवन पॉइंट नाइन फाइव तो बताइए सिक्सटी थ्री का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एट्टी सेवन पॉइंट नाइन फाइव तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग है हिमाचल प्रदेश में उसकी परसेंटेज कितनी है एट्टी सेवन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट सिक्सटी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन डी है सिक्सटी फोर है बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज दनवीन वैली ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की जो दनवीन घाटी है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है तो बताइए किन के बीच में है तो बिलासपुर को सरदार कलोर भी कहते हैं सात पहाड़ियाँ है, तो त्यून और श्रीउन के बीच में है धार नैना देवी और धरकोट के बीच में धार बचेटू और धारकोट या धार बहादुरपुर और धार बांदला तो सिक्सटी फोर का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है धार बहादुरपुर और धार बांदला तो जो धार बहादुरपुर और धार बांदला है इसके बीच में क्या है जो दानवीन वैली है वो इसके बीच में पड़ती है इन दोनों जो धारें हैं धार बहादुरपुर और धार बांदला के बीच में चलिए नेक्स्ट देखते हैं हु लेट द कैंपेन अगेंस्ट द गोरखास इन चौपाल जुब्बल एंड रवीनगर एरिया तो जो चौपाल जुब्बल और रविंद्रगढ़ क्षेत्र था उसमें गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व तो किसने किया था आपसे सिंपली ये पूछ रहा है डेविड ऑक्टरलोनी जेम्स बेली फ्रेसर मार्टिन डेल या किलेप्ससी तो बताइए किसने किया था 65 का राइट आंसर क्या है सिक्सटी का जो राइट आंसर है वो है जेम्स बेली फ्रेजर तो आपको अगर पता नहीं है कि हाँ ये किस चीज़ से बात हो रही है तो 65 का जो आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है जो गोरखा और ब्रिटिश युद्ध हुआ था तो गोरखा और ब्रिटिश युद्ध हुआ था उसमें जो ये एरिया है आ, ट्रीटी ऑफ संगोली की बात की थी मैंने थोड़े क्वेश्चन पहले तो वो भी इससे रिलेटेड थी कि हाँ आखिरी में ट्रीटी ऑफ संगोली से जो है वो, वो मतलब निर्धारित किया गया था कि ये एरिया जो नेपाल वाले हैं उनका बाउंड्री एक तरह से इंडिया और नेपाल में हो गई थी तो जो चौपाल जुब्बल और रवीनगढ़ थे यहाँ पर जो है जो ब्रिटिश थी ब्रिटिशर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था जेम्स बेली फ्रेजर ने किया था किसके अगेंस्ट गोरखा के तो इसमें सिंपली ये पूछ रहा है कि जो एरिया यहाँ पर किसने किया था तो ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व किया था वो जेम्स बेली फ्रेजर ने किया था सिक्सटी फाइव का राइट आंसर ऑप्शन बी है चलिए नेक्स्ट करते हैं सिक्सटी सिक्स है हु डिवाइडेड द डायलेक्ट स्पोकन इन बिलासपुर इंटू सिक्स कैटेगरीज तो बिलासपुर में बोले बोली जाने वाली जो बोलियां थी उसे छह श्रेणियों में विभाजित किसने किया था तो बताइए किसने किया था एक रेडसन ने ग्राम बेली ने गोविंद चतक ने या हरदेव बहारी ने तो 66 का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम बेली तो जो ग्राम बेली थे इन्होंने जो बोलियां बिलासपुर में बोली जाती है उन्हें कितनी छह शहरियों में विभाजित किया था तो किसने क्या था ग्राम बेली ने सिक्सटी का राइट आंसर ऑप्शन बी है वेन वॉज द चीफ कमिश्नर रिप्लेस बाय लेफ्टिनेट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश तो इसमें कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य आयुक्त होते थे उसे बदलकर जो उपराज्यपाल है उसे कब लाया गया तो आपको वो साल बताना है डेट बतानी है नवंबर 1951 मार्च 1952 अक्टूबर 1952 या दिसंबर 1952 तो 67 का राइट आंसर क्या इसका जो राइट आंसर है वो है ना मार्च 1952 तो जो चीफ कमिश्नर होते थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश से अब हिमाचल में कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे तो आपको पता ही है कि हाँ, पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोलते थे बाद में हिमाचल प्रदेश को सी कैटेगरी स्टेट बना दिया गया था तब क्या किया था तब यहाँ पर क्या किया था जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया था चीफ कमिश्नर खत्म कर दिया था तो कब मार्च नाइनटीन फिफ्टी टू को सिक्सटी सेवन का राइट आंसर ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस डी पी सुद्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू लुक इन टू तो न्यायमूर्ति डी पी सूद आयोग को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया था तो किस चीज को देखने के लिए स्थापित किया था जो ये आपकी जस्टिस डीपी सूद कमीशन है तो किस चीज़ पे नजर रखने के लिए द केसेस ऑफ इलीगल ट्रांसफर ऑफ एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स द केसेस केसेज ऑफ बेनामी डील्स द केसेस ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन द केसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट तो सिक्सटी एट का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है द केसेज ऑफ बेनामी लैंड डील्स तो जो, जो जस्टिस डीपी सूद कमीशन बनाई गई थी वो किस चीज़ को देखने के लिए बनाई दी थी जो भी बेनामी लैंड डील्स होती थी हिमाचल प्रदेश में सिक्सटी एट का राइट आंसर ऑप्शन बी है चलिए सिक्सटी नाइन देखते हैं हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा तो बताइए ये बुक किसने लिखी है द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा तो सी एच फिलिप्स ने लिखी है एम एस अलूवालिया ने लिखी है हरमन गोड्स ने लिखी है ने या गोवर्धन सिंह ने लिखी है तो बताइए सिक्सटी नाइन का राइट आंसर क्या होगा द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा ये बुक किसने लिखी है सिक्सटी नाइन का जो राइट आंसर है वो है हरमन गोड्स तो जो हरमन गोड्स हैं इन्होंने क्या लिखी है द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा ये बुक इन्होंने लिखी है हरमन गोड्स ने सिक्सटी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन सी है सेवेंटी है जीवा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ तो जो जीवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है आपको सिंपली ये बताना है 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 सेंज की है, की है, की तीर्थन या अश्वनी की है तो बताइए जो जीवा रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है सेवनटी का जो राइट आंसर है वो है सेंज तो सेंज रिवर कहां ये कुल्लू में सेंज किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और तो इसमें जो पूछा है जीवा, कि जीवा की जीवा किसकी है तो जीवा सेंज की है सेंज स की एक तरह से जीवा जीवास की भी बोल सकते हो आप तो जीवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है की जो कि कुल्लू में है सेवेंटी का राइट आंसर ऑप्शन ए है चलिए देखते हैं ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप फाउंड इन हिमाचल प्रदेश तो निम्न में से कौन सी मिट्टी हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार नहीं है तो बताइए कौन सी मिट्टी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलती यानी कौन सा सॉयल नहीं मिलता नाड खरेतर, बेट या छैब तो सेवेंटी वन का राइट आंसर क्या इसका जो राइट आंसर वो है बेट तो जो बेट है ये इस टाइप का कोई सॉयल हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता बाकी नाड खरेतर और छैब मिलता है तो सेवेंटी वन का ऑप्शन सी बेट है सेवेंटी टू है जनग्याम डायलेक्ट स्पोकन इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश तो जंगयम बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है आपको ये बताना है कौन सा एरिया है कुल्लू मंडी शिमला किन्नौर तो बताइए जो जंगयम बोली है ये कहाँ बोली जाती है सेवेंटी का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर तो किन्नौर में क्या बोली जाती है जो जंगयम बोली है ये किन्नौर में बोली जाती है नेक्स्ट देखते हैं फिर इस गिफांग श्राइन लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पिति जिले में जो गिफांग तीर्थ कहाँ मानता है जो गिफांग है ना जिसे अभी गिफांग से मुझे याद आ रहा है कि हाँ मोटर हॉर्न पीक जो आपकी स्विट्जरलैंड में कहीं पर है वो इसकी तरह कुछ दिखती है तो ऐसी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि हाँ कहीं भी आपको रिलेट करना है चीज़ों को अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको इससे और क्या चीज़ें याद आ रही है तो तब आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी तो गिफांग श्राइन है ये सिंपली पूछा है लाहौल स्पीति में तो सबको पता है मगर लाहौल स्पीति की भी प्रिसाइसली कहाँ पर है तो बताइए शाशीन गोंडोवाला सिसु या धानदर तो 73 का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर वो है शाशीन तो लाहौल स्पीति का जो शाशीन है वहां पर गिफांग श्राइन है तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए है सेवेंटी फोर है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग सैनिक स्कूल वॉज ओरिजिनेटेड इन द माइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑन द बेसिस ऑफ विच वंस स्कूल वॉज ओपन इन सुजानपुर तीरा इन नाइनटीन सेवनटी एट तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल है वो कहाँ वो हमीरपुर के सुजानपुर में है सुजानपुर टीरा में जो कि नाइनटीन सेवनटी एट में खोला गया था तो ये जो कॉन्सेप्ट था सैनिक स्कूल का ऐसा नहीं हिमाचल प्रदेश में भी है उत्तराखंड में भी है हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम स्टेट्स में तो है ही तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट है किसके माइंड में आया था कि ऐसा सैनिक स्कूल खोलना चाहिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वी के कृष्ण मेनन वाइस परमार पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सेवेंटी फोर का राइट आंसर क्या है इसका जो राइट right आंसर है वो है वी के कृष्ण मेनन तो जो वी के कृष्ण मेनन थे इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया था कि ऐसा एक सैनिक स्कूल खोलना चाहिए हर स्टेट में खोलना चाहिए एक खोल दो चाहे दो खोल दो मगर हिमाचल में तो, तो फिलहाल एक ही है तो सेवेंटी फोर का राइट आंसर ऑप्शन बी है वी के कृष्ण मेनन इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया था नेक्स्ट देखते हैं बिफोर ट्रांसफर इन नाइनटीन फिफ्टी टू विलेजेस नेमली संगोग एंड भटर वेयर पार्ट ऑफ विस स्टेट तो 1950 में जो स्थानांतर करने से पहले जो आपकी जो जगहें कौन सी संगोग और भटर ये किसके पार्ट थे तो ये कौन सी जगह के पार्ट थे आपको ये पूछना है बताने पंजाब के जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश में पेप्सो में तो बताइए सेवेंटी फाइव का राइट आंसर क्या है सेवेंटी फाइव का जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश तो अगर आप फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको पता लगेगा जो संगोग और भटेर थे किसके उत्तर प्रदेश के पार्ट थे मगर तो उन्नीस में ये हिमाचल प्रदेश में मिला दी जाते हैं तो सेवेंटी फाइव का राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी है तो इस पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ लो लेवल का क्वेश्चन है तो एच पी जितने भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ सकती है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे और पूरी पी मैंने बना दी है तो पी आपको कैसे मिलेगी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर देना हम उसका स्टडी मटेरियल आपको दे देंगे उसमें आपको इंडिया जी हिमाचल जी साइंस हर एक सब्जेक्ट के आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएंगे एम सी क्यू नोट्स मिल जाएंगे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे जो भी आपका एग्जाम होगा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी लेटेस्ट पैटर्न में जो भी लेवल का आपका एग्जाम आ सकता है उससे भी अच्छे लेवल की हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे बाकी ऐसी पीडियो तो आपको मिल जाएगी तो पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने बना दिया चाहे कोई भी एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का उसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है तो नीचे लिंक दिए होंगे व्हाट्सएप वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर देना बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ दे दूँगा तो आज के लिए हम वीडियो को इतने रखते हैं काफ़ी लंबी वीडियो होगी है वैसे इतनी लंबी वीडियो आमतौर पर स्टूडेंट्स नहीं देखते तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना बाकी शेयर तो आप करोगे नहीं क्योंकि मैं खुद नहीं करता था तो शेयर करने की कोई जरूरत है बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना बाकी और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा बाकी आज के लिए इतने रखते हैं मैं आपसे एक ग्लास मिलूँगा तब तक के लिए शब्बा है थैंक यू हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हर महीने कोचिंग स्टूडेंट्स को फीस भी देते हो फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पुलिस पटवारी क्लर्क जो जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर्स से डाउट पूछ सकते हैं साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर और भी बहुत कुछ हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए एट पर अभी व्हाट्सअप करें